एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 ज्योग्राफी 2023 में किस तरह से आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप को क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से देखने वाले हैं। और आज जो मैं हम बताने वाला हूं आप लोगों को, वो है भूगोल का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। यानी इससे रिलेटेड आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 20 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। सो स्टूडेंट, एक एक पार्ट करके हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी चैप्टर बाय चैप्टर को डिस्कस करेंगे, ताकि आपके पेपर में जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाए, एग्जाम में एक भी प्रश्न जैसे ना छूटे, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बताने वाला हूं। और डिस्टेंट वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे, क्योंकि मैं बीच बीच में डिस्टेंट आप लोगों को इंपॉर्टेंट की पॉइंट नोट करवाऊंगा। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही साथ उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करें जो अभी जस्ट एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए डिस्टेंट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन की ओर जाने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट नोट करवाना चाहता हूं, डिस्टेंट उस पर नोट करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें क्लास 11 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है और अच्छे अंकों से पास होना है, तो आप लोगों के लिए क्लास 11 का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, हमारे एप्लीकेशन पे एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है, जो टारगेट किया गया है 2023। यानी याद रखिएगा, 2023 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आर्ट्स कॉमर्स साइंस को भी टॉपिक से रिलेटेड हो, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सब क्वेश्चनों को आपको इस एप्लीकेशन में देखने को मिलेंगे। तो इस एप्लीकेशन का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। आप अच्छे तरह से प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मात्र 149 रुपया में क्लास 11 का पूरा कोर्स परचेस कर सकते हैं। सो डिस्टेंट, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे वो क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना है, तो आप लोग जल्द से जल्द डिस्टेंट हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। और अगर किसी भी तरह से दिक्कत ही होगी, किस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, या हमारे टेक्निकल टीम के नंबर है 9122888 60 पर आप लोग अच्छी तरह से हमारे इस प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर हमें 149 रुपये में और क्या क्या प्रोवाइड किए जाएंगे। सबसे पहले डिस्टेंट आपको PDF प्रोवाइड किए जाएंगे, PDF जिसमें आपका आंसर इंक्लूडेड होंगे, यानी आंसर आपको उसमें मिल जाएंगे, इसमें आपको समय की बचत हो सकती है। तो डिस्टेंट आप लोग जल्द से जल्द इस बैच में, न्यू बैच में जो अभी एडमिशन जो स्टार्ट हुआ है, उसमें जल्द से जल्द आप लोग एडमिशन लेने की कोशिश करें। 149 रुपये में पूरा का पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर के देखते हैं कि किस तरह से आपके टॉपिक नंबर 1 से क्वेश्चन इंक्लूडेड होते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को डिस्टेंट अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है, यानी भौतिक भूगोल की जो है वो शाखा नहीं है। तो याद रखिएगा, मानव शास्त्र क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही उत्तर होगा बी, मानव शास्त्र। आपके पेपर में भी इसी तरह से डायरेक्टली क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आपको करना है। निम्नलिखित में से किसका संबंध जीव भूगोल से है, जीव भूगोल मतलब याद रखेंगे जिसका अंदर जान होते हैं, तो जीव भूगोल का संबंध जो है वह जीव विज्ञान से होंगे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा सी। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम भू संरचना से संबंधित नहीं है, यानी भू संरचना से जो संबंधित नहीं है वो होगा सांख्यिकी तकनीक। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। सो डिस्टेंट आपके पेपर में इसी तरह से एक एक प्रश्न आपके पेपर में भी देखने को मिलेंगे, पर शर्त कि आपको अच्छी तरह से इस क्लास को करना है। भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है, जो भूगोल है उनका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो याद रखेंगे पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। जो हमारे अर्थ इनका बारे में जो डिस्कस करते हैं वही आपका भूगोल कहलाते हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जो भूगोल शब्द है उनका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में पूछे गए थे। तो याद रखिएगा कि इसका नाम था इरेटोस्थनीज। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका बी। आपके पेपर में इसी तरह से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको अपने कॉपी पे एक ही क्वेश्चन को नोट डाउन करना है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भूगोल अध्ययन के प्रमुख उपागम कौन से हैं,
जो भूगोल है उनका प्रमुख उपागम कौन से हैं अध्ययन की दृष्टि से आपको बताना है। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। याद रखेंगे आपके पेपर में भी डायरेक्टली इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रकृति तथा मानव के बीच अंतर संबंध कैसे स्थापित हुए। जो मानव है और प्रकृति है किस तरह से अंतर संबंध स्थापित हुए इसके रिगार्डिंग आपको बताना है। तो याद रखिएगा ए और बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही राइट आंसर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। सुरेश में अगला क्वेश्चन में जाने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट नोट करवाता हूँ, उस पर एक बारे में आपको नोट डाउन करना है। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें क्लास 11 में बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करना है तो आप लोगों के लिए हमारे ऐप में एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है जो टारगेट किया गया है 2023 के एग्जाम। 2023 के एग्जाम में जो भी प्रश्न आपके पेपर में छपने वाले हैं सब कुछ आपको इस एप्लीकेशन में देखने को मिलेंगे। इस एप्लीकेशन का जो लिंक है, इस ऐप का जो लिंक है, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र 149 रुपया में क्लास 11 का पूरा कोर्स, याद रखिएगा 149 रुपया में पूरा का पूरा कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट ये जो 149 रुपया है इसमें आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। सो गाइस बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जुड़ चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक न्यू जुड़े हैं तो जल्द से जल्द इसमें आप लोग कोशिश करें जुड़ने की, क्योंकि इसमें आपको टारगेट किया गया है ओनली फॉर, याद रखिएगा टारगेट किया गया 2023 के एग्जाम में, यानी आपका समय भी आपके पास बहुत ही कम है। तो इसमें आप लोग हमारे टेक्निकल टीम के नंबर है, किसी तरह से भी कोई भी प्रॉब्लम हो लिंक को डाउनलोड करने में प्ले स्टोर से तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आपके सामने कि विषय वस्तु उपागम किस भूगोल वेत्ता द्वारा दिया गया है। तो ये जो दिए गए थे वह अलेक्जेंडर, याद रखिएगा अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्रादेशिक भूगोल की विभिन्न शाखाएं हैं, जो प्रादेशिक है उसके भूगोल की विभिन्न शाखाएं हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए क्षेत्रीय अध्ययन, प्रादेशिक योजना, याद रखिएगा नियोजन और प्रादेशिक विकास, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि भूगोल में दर्शन के दो अंग कौन से हैं। जो भूगोल है उनके दर्शन के दो अंग कौन से हैं, तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा ए और बी दोनों होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से आपके पेपर में भी क्वेश्चन छप जाएंगे, तो आपको एक एक प्रश्न को आपको अच्छी तरह से नोट डाउन करना है। आपके एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। सॉल्यूशन अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से टॉपिक बाय टॉपिक चैप्टर बाय चैप्टर कवर करवाइए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और आपको हमारे एप्लीकेशन पे, हमारे ऐप में हर एक चीज आपको अवेलेबल मिलेंगी। तो इसमें आप लोग जल्द से जल्द इनरोल कर रहे हैं एडमिशन लेने, जिसका फी मात्र 149 रुपये है, जिसमें आपको क्लास 11 का पूरा कोर्स परचेस किए जाएंगे। भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा है, जो भौतिक भूगोल है उनकी प्रमुख शाखा क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख उपशाखाएं आती है। तो प्रमुख जो उपशाखाएं आती है वह है सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2021 के पेपर में पूछे गए थे। भूगोल विषय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, स्टेटमेंट कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो राइट है। तो याद रखिएगा उपयोग तो सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन में करवा रहा हूँ ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। भूगोल का जनक किससे कहा जाता है, तो मैंने अभी जस्ट बताया था क्या, एरेटोस्थेनीज। ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में पूछे गए थे और उम्मीद करते हैं कि इस साल के पेपर में भी पूछे जाने वाले हैं। तो आपको अपने कॉपी पे नोट डाउन करना है इन सब क्वेश्चनों को और वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि आपको बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट नोट करवाता रहता हूं। क्वेश्चन है कि भूगोल शब्द किस भाषा के दो शब्द जियो तथा ग्राफिस से मिलकर बना है, यानी कौन से ऐसे दो शब्द है जो दो शब्द से मिलकर बना है, दो भाषा से मिलकर बना है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ग्रीक, ऑप्शन याद रखिएगा ग्रीक, बहुत ही ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और ये भी क्वेश्चन 2000
22 के पेपर में पूछे गए थे। सॉल्यूशन, आप लोग अगर चाहते हैं कि सर हमें एक लाइव क्लासेस चाहिए जिसमें हमारे एग्जाम से पहले पहले एक ऐसा क्लासेस होनी चाहिए कि जितना भी क्वेश्चन करवाए हैं उन सबका रिविजन हो जाए, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर कॉमेंट करें। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है, देश में जाने से पहले अगर आप हमारे एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है हमारे ऐप में, और इस ऐप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, और आप लोग किसी तरह से अगर दिक्कत ही होगी तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। यह हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप लोग व्हाट्सअप करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 9122888860। इस ऐप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपका एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया जो टारगेट किया गया है 2023 के पेपर में। सो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सब क्वेश्चन को जिस तरह से हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा आप लोगों को स्टडी कराया जा रहा है, उन सब क्वेश्चन को अगर आप अच्छे ढंग से कर लेते तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 80+ परसेंटेज मार्क्स आएंगे। पर शर्त है कि आपको अच्छे ढंग से स्टडी करना है। तो स्टूडेंट, इस ऐप में अगर जैसे क्लास 11 का अगर अच्छी तरह से आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से, तो आप लोगों के लिए जो न्यू बैच स्टार्ट किया गया है उनका मात्र फी 149 रुपया है। इसमें आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और याद रखिए इसमें चैप्टर बाय चैप्टर, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट इसमें स्टडी कराए जा रहे हैं। तो आपको आपके जल्द से जल्द स्टूडेंट इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करके इस बैच का जो न्यू स्टार्ट किया गया है इस बैच का मजा लें, क्योंकि इसमें आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाला है। तो आप लोग इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कृषि उद्योग पर्यटन व्यवहार एवं व्यापार एवं परिवहन अवस्थापना तथा तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन भूगोल की शाखा के अंतर्गत आती है। किस शाखा के अंतर्गत आएंगे? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आर्थिक भूगोल की शाखा। ये सब जितना भी कुछ है क्या है? आर्थिक यानी इकोनॉमिक्स चीजें हैं, याद रखिएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। इकोनॉमिक्स तो चीज़ें हम लोग उसे कहते हैं, आर्थिक शाखाएं उन्हें कहते हैं जो पूरा ऑल ओवर इंडिया का उसमें सर्वे होता है। यानी क्या कहते हैं, जैसे परिवहन, इसमें गरीब भी चल सकते हैं, परिवहन ये जो परिवहन है इसमें गरीब अमीर जो भी है इसमें चल सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स, यानी हर एक इंसान का उसमें हक होता है। क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन पे, प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी स्टेटमेंट कौन सा है जो असत्य मतलब होता है क्या ट्रू नहीं है यानी फॉल्स है? इसके बताने की चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। तो यह विविध राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है, बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। ये ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? फिर से इसमें असत्य के बारे में बोल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से क्वेश्चन कैसे पेपर में पूछे गए हैं, तो मैं जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उन सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा, सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें आपको बताना है जो ट्रू है यानी सत्य है, सही है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा, यह विविध एकाकी रूप में प्रस्तुत करती है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। सो गाइस, हम लोग जो अभी डिस्कस किए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले। तो जल्द से जल्द जो हमारे एक न्यू हमारे एप्लीकेशन पे हमारे ऐप के माध्यम से जो न्यू बैच स्टार्ट किया गया है जिसका टारगेट किया गया है 2023 के एग्जाम को टारगेट करके इसमें स्टडी कराया जा रहा है, यानी आपके पास ओनली फॉर 3 से 4 मंथ है, और इसमें आपको कैसे तैयारी करना है, क्योंकि आपका टॉपिक जो होंगे, मान लेते हैं जियोग्राफी एक आपका बुक है उसका 2 पार्ट होते हैं, यानी पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में देखा जाए तो 10 टॉपिक, पार्ट बी में देखा जाए तो 10 टॉपिक। इन सब को कैसे कवर करना है, कौन कौन से क्वेश्चन हमें स्टडी करना है, इस ऐप के माध्यम से एक जो न्यू बैच स्टार्ट किया गया है उसमें आपको A to Z कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपको सबसे पहले हमारे इस ऐप को डाउनलोड करना है। इस ऐप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएंगे। आप सबसे पहले हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद डियर स्टूडेंट मात्र 149 रुपया में क्लास 11 का पूरा कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें डेस्टर आपको इतना सारा बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे हमारे प्लेटफॉर्म के अलग अलग टीचर द्वारा, अलग अलग सब्जेक्ट को जो स्टडी कराते हैं, हिंदी इंग्लिश ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना बेहतरीन तरीके से स्टडी कराते हैं। आप देखेंगे डेस्टर कि 149 रुपया बहुत ही कम रकम आपके लिए होंगे जब आप स्टडी करेंगे।
तो किसी भी तरह से अगर डिजिटल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके करने में किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम फेस करना हो तो इस नंबर पर लोग कॉन्टैक्ट करें, या हमारे टेक्निकल टीम के नंबर है 9122888 60 पर आप लोग व्हाट्सअप करेंगे, अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उस स्टूडेंट तक सेंड करें जो अभी जस्ट क्लास 11 में एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली वो पेपर पढ़ाए जाते हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। सो स्टूडेंट, वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए एक न्यू टॉपिक में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।